हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति शेरावत आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद युग में स्वागत करती हूँ। वंस अगेन आई एम हेयर विद यू हैविंग वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज चंद्रोदय वर्ति एंड द टॉपिक इज ट्रिक टू लर्न द कंटेंट्स ऑफ चंद्रोदय वर्ति। एज यू नो दैट दिस इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक डिजीजेस और आई डिजीजेस। सो चंद्रोदय वर्ति एक वर्ति कल्पना है जो कि वटी कल्पना के अंतर्गत आती है और यह जौ के समान आकृति वाली होती है, जिसका प्रयोग आप एक चिकने पत्थर पर घिसकर उपयुक्त स्थान पर लगाकर कर सकते हैं। इसका प्रयोग संचित दोषों को दूर करना है, अर्थात निष्कासन करना है। तो चलो आज हम इसके कंटेंट्स को याद करने का आसान सा तरीका सीखते हैं। एंड दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा एज वेल एज थेरी पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चंद्रोदय वर्ति का जो श्लोक है इसका रेफरेंस है शारंग संहिता उत्तरखंड चैप्टर 13। चंद्रोदय वर्ति की जो ट्रिक है दिस इज फॉर मुख्य घटक द्रव्य। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स हैं और एक भावना द्रव्य है। तो इसकी ट्रिक क्या है, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जिससे आपको ये ट्रिक याद करने में आसानी होगी। तो क्या है कि हरि हरि नाम का एक लड़का था जिसका मन बहुत ज्यादा भयभीत था पीले कुष्ठ से। मतलब उसको पीला कुष्ठ हुआ था, उसकी वजह से उसका मन बहुत भयभीत था। तो उसने क्या किया, उसने मॉर्निंग टाइम पे मींस चंद्र उदय के समय एक शंख बजाया, मींस शंख मारा या बजाया, पर मार शब्द इज फॉर ट्रिक, दैट्स व्हाई आपको वो शंख मार याद रखना पड़ेगा। शंख मार के उसने अजादुग्ध को पिया और उससे वो बचा। तो अब आपको ये जो मैंने अभी छोटी सी कहानी बताई इसको हमने एक सेंटेंस में कैसे ढाला है, तो हरि का शुद्ध मन भयभीत था पीले कुष्ठ से, शंख मार चंद्र उदय में अजादुग्ध से बचा। तो कंटेंट्स क्या हुए, हरि इज फॉर हरित की, शुद्ध मन शिला, भयभीत भयभीत शब्द फॉर द बिभीत की, पीले फॉर द पिप्पली, कुष्ठ कुष्ठ मूल, शंख इज फॉर शंख नाभि, मार इज फॉर मरीच, चंद्र उदय फॉर द ट्रिक ऑफ चंद्रोदय वर्ती, अजादुग्ध आपका भावना द्रव्य है एंड वचा इज द 8th इंग्रेडिएंट। ये आपको जो ऊपर के सभी 8 इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको मात्रा में समभाग लेना है, जिसको आपको अजादुग्ध से भावना देनी है। भावना का अर्थ होता है कि कोई भी एक ऐसा लिक्विड जिसके थ्रू आप जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भावित करते हैं, मींस आपको वो लिक्विड इन कंटेंट्स के अंदर डालना होता है। जब इनका चूर्ण हो जाता है तो आपको इसे तब तक मर्दन करना होता है, मींस तब तक आपको इसको खरल में चलाना होता है जब तक जो आप भावना द्रव्य डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अजादुग्ध, वो ड्राई ना हो जाए। जब वो मर्दन करते करते ड्राई हो जाता है तो समझो उसको एक भावना मिल गई। ऐसे ही इसकी 7 भावना आपको देनी होती है। तो ये हो गए आपके मुख्य घटक द्रव्य और आपका भावना द्रव्य। तो ट्रिक क्या हुई, हरि का शुद्ध मन भयभीत था पीले कुष्ठ से, शंख मार चंद्र उदय में अजादुग्ध से बचा। नाउ निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या है, जो अभी आपने 8 इंग्रेडिएंट्स देखे उसको आपने एक इमाम दस्ते में अलग अलग डालकर कूटना है और एक चूर्ण बना लेना है, मींस कपड़े से छानकर आपने चूर्ण बना लेना है। बाद में जो भावना द्रव्य था अजादुग्ध, तो इन सभी को एकत्र करके आपने अजादुग्ध की उसको 7 भावना देनी है। बाद में जब वो जो पेस्ट फॉर्म में अगर हो जाता है तो मींस भावना देने के बाद जब वो पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तब आपने उसकी छोटी छोटी यव आकृति की वर्तियां बनानी है। यव आकृति मींस जैसे जौ होती है दोनों साइड से पॉइंटेड और बीच में से थोड़ी सी मोटी, ऐसी आपको यव आकृति की वर्तियां बनानी है और फिर आपको उसे छाया में सुखाना है और आवश्यकता अनुसार इस वर्ती को साफ और चिकने पत्थर पर शहद या फिर जल के साथ घिसकर नेत्र में अंजन करना है। अंजन अर्थात आपको नेत्र में काजल की तरह उसे लगाना है। इसका प्रयोग हम लोग नेत्र रोग में
करते हैं। आपको इसका प्रयोग दोषों को ध्यान में रखते हुए करना है। नेत्र रोगों में जो मात्रा इसकी होती है वो आवश्यकता अनुसार होती है, मीन्स जितना आपको जरूरत है उतना ही आप इसे घिसकर लगाएं। इसका जो मुख्य उपयोग है, मीन्स आप कौन कौन से जो आंखों के रोग हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो है तिमिर, मांस वृद्धि, कांच, पटल, अर्बुद, अधिमांस और रात्रियांध। इन सभी रोगों में आप दोषों के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है ट्रिक फॉर द चंद्रोदय व्रती वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरे ये एजुकेशनल ट्रिक वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।